शराब नीति केस में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। इसी मामले में आरोपी और आप विधायक दुर्गेश पाठक को अदालत ने जमानत दे दी है। दरअसल सीबीआई ने केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर, शरद रेड्डी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। 3 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए 11 सितंबर तक का समय दिया था। आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दुर्गेश पाठक को 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी है। वहीं 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया ताकि वे जेल से बाहर ना आ सकें, जबकि जमानत नियम और जेल अपवाद है। सीबीआई ने जवाब दिया कि केजरीवाल को जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए। अगर उन्हें जमानत मिली तो हाई कोर्ट को निराशा होगी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।